क्या लेवल, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इथेरियम नेम सर्विस की। सो इथेरियम नेम सर्विस क्या होती है, किस कैसे आप इसको बाय कर सकते हो, इसका क्या यूज़ केस है, इसके बारे में बात करेंगे। इनका एक टोकन भी है जिसका नाम है ENS। फिलहाल 11.91 पे ट्रेड हो रहा है और ये इनका हाईएस्ट प्राइस जो गया था $83 गया था। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे बेयर मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो $11 पे आज ट्रेड हो रहा है। एनीवे, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ENS है क्या और इसका क्या यूज़ केस है, राइट? तो सबसे पहले पे इसको यूज़ केस समझने के लिए, कभी भी आप वॉलेट सेट करते हो, इथेरियम का वॉलेट या बिटकॉइन का वॉलेट, तो यूजली आपका एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है, राइट? जो नंबर्स रहता है, नंबर्स और लेटर्स रहता है, तो यूजली आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो या किसी को चाहिए एड्रेस तो आप ऐसा नंबर्स और अल्फाबेट्स देते हो, राइट? काफ़ी वियर्ड दिखता है, राइट? अब इसको क्यों ना ऐसा हो कि ये एड्रेस को एक नाम दे दिया जाए जो ह्यूमन रीडेबल है, मतलब कोई भी पढ़ पाए। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको आपने लेट्स से, जैसे मेरा नाम शिव, राइट? सो हो सकता है मैं इसको एक डोमेन को शिव डॉट ईथ दे दूँ, तो इंस्टेड ऑफ मैं आपको ये एड्रेस दूँ, मैं आपको शिव डॉट ईथ दूँ, राइट? तो ईजी रहता है पढ़ने के लिए। सो टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, राइट, कैसे डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हो काफ़ी सिमिलरिटी यहाँ पे। इसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, यहाँ पे इसको इथेरियम नेम सर्विस बोलते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम कैसे होता है, डोमेन नेम सिस्टम वही होता है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन अगर मुझे कुछ किसी मेरे वेबसाइट का आपको देना है तो मैं आपको आईपी एड्रेस नहीं दूंगा कि 123.45.678, नहीं, मैं आपको दूंगा कि बॉस मेरा डोमेन का नाम ये है www.shiv.com, राइट, या फिर www.myntra.com, राइट? तो मैं आपको सीधा नाम देता हूँ, बट कंप्यूटर्स तो समझते हैं नंबर्स में, राइट? बट यहाँ पे हम लोग ने उसको ह्यूमन रीडेबल बना दिया, इसको हम लोग ने एक कैची नाम दे दिया ताकि उसको असाइन कर दिया। तो इसको बोलते हैं ENS, इथेरियम नेम सर्विस, जहाँ पे आप अपने एड्रेस को एक नाम दे सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट डॉट इथ, देखो फ्लिपकार्ट डॉट इथ ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर दिया है तो ये एड्रेस है, राइट? बट अगर मैं फ्लिपकार्ट डॉट इथ पे मैं अगर कुछ भेजूंगा इथ, तो सीधा ये एड्रेस पे जाएगा, राइट? तो सिमिलरली आदित्य डॉट इथ, ये देखो किसी ने रजिस्टर कर दिया अपना, तो बेसिकली मुझे अब आदित्य को उसको ये पूरा देने की जरूरत नहीं है, सीधा ये मेरे को आदित्य डॉट इथ दे देंगे, सीधा इस एड्रेस पे चला जाएगा, राइट? सो बेसिकली बड़ी यूजफुल चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक ये 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल पहले मैंने कवर किया था जब इन्होंने, 2 या 3 साल पहले जब इन्होंने लॉन्च किया था। बट बहुत दिनों के बाद फिर से कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो ENS इज द मोस्ट वाइडली इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन नेमिंग स्टैंडर्ड। कुछ 1.1 मिलियन नेम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 406,000 ओनर्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेरियम, और भी जो टोकन्स हैं उनको भी आप यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर डाल सकते हो। तो जैसे आप ये देखो यूनिस्वाप, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली सारे आपको क्रिप्टो एड्रेसेस का एक ही नाम हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम किसी को बिटकॉइन भेजना है, इथेरियम भेजना है, या कोई भी टोकन भेजना है, अगर आपने यहाँ पे डाला है तो खाली आप अपना डोमेन नेम दे दो डॉट ईथ वाला। तो काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है, कैसे इसको रजिस्टर करना है, सबसे पहली बात कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसके पहले कि आप बाय करो। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका बाइंग का रेट क्या है। तो इसका रेट है अराउंड, डिपेंड्स कि क्या कैरेक्टर है, तो अगर 5+ कैरेक्टर है तो इसका $5 पर ईथ आपको देना पड़ता है। तो कैसे खरीदना है आपको, तो बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे इसका लॉन्च ऐप करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा और सर्च करोगे कि आपका एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल माई हिमाचल डॉट ईथ, देखता हूँ है कि नहीं है। क्या है, माई हिमाचल डॉट ईथ आया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 ईयर 0.03, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ 2 साल या 3 साल, तो ऐसे ऐसे 0.08 ईथ मेरे को देना पड़ेगा, प्लस एट मोस्ट 0.08 गैस प्राइस, एट मोस्ट 0.16। तो बेसिकली ये देखो ये चीज़ यहाँ पे, अगर माई हिमाचल डॉट ईथ लेना है तो मेरे को कुछ 0.016 ईथ के आसपास मुझे आ रहा है, अराउंड $31 के आसपास आ रहा है।
वैसे ही कुछ और देखते हैं। माई नेम इज या माई सिटी डॉट ईथ, आई थिंक ये किसी ने रजिस्टर कर दिया होगा, देखते हैं फिर भी। माई सिटी, ये कितना कैरेक्टर, कितना लेटर है? 1 2 3 4 6 लेटर है। ओके, माई सिटी डॉट ईथ देखते हैं। अनअवेलेबल, देखो अनअवेलेबल है, किसी ने ऑलरेडी इसको दे दिया है। तो इसके अलावा मुंबई मेरी जान डॉट ईथ देखते हैं, तो अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो मुंबई मेरी जान अवेलेबल है, और ये देखो कुछ 1 साल का 0.011 ईथ में आ रहा, अराउंड $20। इसको 3 साल भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली रिक्वेस्ट रजिस्टर, यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है। बेसिकली रिक्वेस्ट रजिस्टर करूंगा तो ये मेरा सीधा मेटामास से कनेक्ट होगा, ठीक है? वहां से देखो सीधा मेटामास पे लेके जा रहा है मुझे, देख रहे हो आप? तो या 3 स्टेप प्रोसेस है बेसिकली। रिक्वेस्ट रजिस्टर, वेट फॉर अ मिनट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये जो डोमेन है आपके नाम पे हो जाती है। और कोई भी अगर आपको किसी को क्रिप्टो एड्रेस देना है तो सीधा आप ये दे सकते हो। अपना बिजनेसेस भी सेटअप कर सकते हो, जो यूजली डोमेन होते हैं जो होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। ये काफ़ी कुछ और भी फीचर आ रहा है। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको रिन्यू करना पड़ता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो आपने ले लिया, उसको डिपेंड्स कि आप कितने साल के लिए ले रहे हो, तो एवरी ईयर आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो $5 इन ईथ पर ईयर, $160 इन ईथ पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना कैरेक्टर का ये डॉट ईथ का डोमेन है। ये चीज़ बहुत याद रखनी है। दूसरी चीज़ प्रिवेसी को लेके है। तो अगर यूजली क्या होता है कि अगर अगर ये एड्रेस आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो उनको पता नहीं कि ये किसका एड्रेस है, राइट? क्योंकि अनोनिमस रहता है। बट अगर आपने एक बार उसको नाम दे दिया, जैसे कि शिव डॉट ईथ, आदित्य डॉट ईथ, तो पूरी पब्लिक को मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये जो एड्रेस है ये आपका है, करेक्ट? क्योंकि आपके ENS नेम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी प्रिवेसी जो है वो चली जाती है यहाँ पे। तो वो एक ध्यान देना है। काफ़ी लोग जो लेते हैं उसको उसी तरह से यूज़ करते हैं कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि भाई मैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स करूँ इस एड्रेस पे, या किसको दूं या किसको नहीं दूं, राइट? सो वो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपका एड्रेस पे प्राइवेट नहीं रह जाता। पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि भाई ये तो आपका एड्रेस है, तो आपके पास कितना ईथ है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पूरी दुनिया को दिखाई देता है। तो प्रिवेसी नाम की एक प्रिवेसी एक आपकी चली जाती है। या दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे ये है कि आपको याद रखना है कि जब आप अगर 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इसको 90 डेज के अंदर अगर इन केस एक्सपायर हो जाता है तो आप इसको एक्सटेंड करते रहो। इसके अलावा ये हो गया। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं इसके टोकन की, ENS टोकन। तो ENS बेसिकली एक गवर्नेंस टोकन है जो काफ़ी लोगों को एयर ड्रॉप भी मिला था। तो ऑफकोर्स ये टॉप प्रोजेक्ट है, मैं बोलूँगा इथेरियम पे। इनकी जो टोटल सप्लाई है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ 100 मिलियन टोकन्स हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया फिलहाल 11.91 पे ट्रेड रहा है। बट कंसिडरिंग कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोग इस ENS को रजिस्टर कर रहे हैं। एंड अगर इथेरियम चेन अगर इतना पॉपुलर हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, तो आज मुझे लगता है कि आगे जाके और भी लोग यहाँ पे अपना ENS डोमेन रजिस्टर करेंगे बिजनेसेस के लिए, पर्सनल यूज केसेस के लिए। तो उस तरफ से अगर यूटिलिटी बढ़ेगी ENS की, तो ENS का प्राइस भी आगे बढ़ सकता है। तो यस, यू कैन पर्सनलाइज योर इथेरियम एड्रेस, एंड यू कैन ऑल्सो यूज और अदर एड्रेस भी यूज कर सकते हो आप इसके डोमेन के, इस ENS के अंदर। दूसरा चीज़ ये डिसेंट्रलाइज है, तो कोई छीन नहीं सकता आपसे, बट आपको रिन्यू करना करते रहना है। कैसे बाय करना है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, वहाँ पे चार्जेस आपको दिखाई दे देंगे। प्राइस डिपेंड करती है कि 3 कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का है, कि 5 लेटर्स का है, डिपेंड करता है। ड्रॉबैक वही है कि आपकी प्रिवेसी आपको बहुत ध्यान से देना पड़ता है कि कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैलेंसेस क्या है, आपकी प्रिवेसी यहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि आपका एड्रेस है। और दूसरा जो लास्ट ऑप्शन है, अगर आप मतलब ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो अगर आपको कोई बिजनेस है या आपका कोई नेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करने जैसा है। बट उसके अलावा दूसरा चीज़, आप इनके टोकन्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एनीवे, दैट्स इट फॉर ENS डोमेन। दिस वाज अ रिक्वेस्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इथेरियम एक बहुत बड़ा पावरफुल ब्लॉकचेन बनने जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, और मुझे लगता है कि उस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इथेरियम नेम सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।